अलीगढ़ से बड़ी खबर, जहां सीए के विरोध में जाम लगाया गया है। जीवनगढ़ पुलिया के पास बाईपास पर यह जाम लगाया गया, सैकड़ों की संख्या में जमा हुए महिला और पुरुष। तो सीए के विरोध में यह जाम लगाया गया। अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। 3 दिन से कर रहे हैं बाईपास पर प्रदर्शन, हिंदूवादी नेता विनय की गिरफ्तारी की मांग इनकी तरफ से की जा रही है। तो पुलिस कर्मियों पर भी कार्रवाई की मांग प्रदर्शनकारी कर रहे हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। तो कारसी थाना क्षेत्र का ही पूरा मामला, जहां पर सीए के विरोध में एक बार फिर से जो प्रदर्शन, बड़ी संख्या में महिला और पुरुष यहां पर जमा हुए हैं और जाम कर हिंदूवादी नेता और पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो अलीगढ़ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, सीए के विरोध में जाम लगाया गया है। जीवनगढ़ पुलिया के पास बाईपास पर यह जाम लगा है, सैकड़ों की संख्या में महिला और पुरुष जमा हुए हैं। संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, सीए के विरोध में अलीगढ़ में लगाया गया जाम। बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं आपको कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भारी तादाद में महिला पुरुष क्वारसी थाना क्षेत्र के बाईपास पर पहुंच गए हैं और लगभग वो पिछले 3 दिन से वहां प्रदर्शन कर रहे हैं और आने जाने वाले जो राहगीर हैं उन्हें काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी वहां से मेडिकल के निकल जाने के लिए भी रास्ता है और रोड 3 दिन से जाम है प्रॉपर और वाहनों की लंबी लंबी कतारें भी लगी हुई है। इसके अलावा लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है और मीडिया को बिल्कुल कवरेज करने से सीधा रोक दिया है उन्होंने, विरोध मीडिया का प्रॉपर कर रहे हैं। इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से भारी तादाद में पुलिस फोर्स जमा है, एकत्रित है और सीधे तौर पर उनकी जो मांग है वो पहली मांग तो यही है कि कानून में संशोधन होना चाहिए और इसके अलावा दूसरी मांग ये है कि आज से 3 दिन पहले जो ऊपरकोट क्षेत्र में बवाल हुआ था, बवाल के दौरान एक मुस्लिम युवक था, उसकी गोली लग गई थी। उसी मामले में सीधे तौर पर उनका कहना है कि जो हिंदूवादी नेता विनय वाष्णेय है उसकी तत्काल गिरफ्तारी होनी चाहिए और ये मांग जब तक उनकी पूरी नहीं होगी ये धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। इसके अलावा आपको बता दें कि अलीगढ़ पुलिस ने अब तक लगभग 150 नामजद सहित लगभग 4000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए हैं और लगातार पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। इसके आपको बता दें 12 लोग पूरे घटनाक्रम में घायल हुए थे जिनका इलाज अभी भी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज कर रही है और लगातार ड्रोन कैमरे से पूरे शहर पर नजर रखी जा रही है और देखा जा रहा है कि कहीं किसी छत पर पत्थर। चलिए प्रमोद, फिलहाल शुक्रिया जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।